अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा। आज चिकन पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और उसको रखेंगे 20 मिनट्स तक। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे और दिस इज़ फूड कलर। इसमें मैंने ब्लैक पेपर, फूड कलर, तिक्का मसाला और नमक ऐड किया है। तो इसको अब मैं 20 मिनट्स के लिए रखूँगी कि ये सारे चिकन जो है ये मसाले अब्ज़ॉर्ब करे। उसके बाद जो है मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर सीधा मैं फ्राई करूंगी तो इससे चिकन में कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मसाले अब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाते। तो 20 मिनट के लिए रखना मस्ट है। तो 20 मिनट्स हो गए हैं और ये थोड़ा सा पानी खुश्क करना था, सो मैं वो कर रही थी। तो पहले हम डालेंगे ऑयल, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे एंड देन इसमें हम डालेंगे गार्लिक एंड जिंजर। दोनों को मैंने मिक्स किया है, कट करके मिक्स किया है। तो ये दोनों हम इसमें डालेंगे, इसको अच्छी तरह से पिंकिश करेंगे। उसके बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो अनदर स्टेप इज़ पिज्ज़ा सॉस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पिज़्ज़ा का सारा टेस्ट इसी सॉस की वजह से आता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही सिंपल सॉस बनाया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी कि सॉस में क्या क्या यूज़ होता है। ये मैंने लिया है केचप, और इसके अंदर मैंने डाला है सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक, बाकी मैंने कुछ नहीं डाला है। लेकिन टेस्ट इसका भी अच्छा आता है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें ऐड होती है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ वो ऐड करूँगी। अगर आप इसी सॉस में बनाना चाहो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट भी मज़े की होती है। बिल्कुल बंदे को फील होता है कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है। तो आप लोग इसी तरह का सॉस भी बना सकते हो। तो लेट्स ओके, दिस इज़ द थर्ड स्टेप। ये मैंने लिया है पिज़्ज़ा पेन, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया है। तो रेडी किया था 1 घंटा पहले, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। और पिज़्ज़ा डो की अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोग के साथ ये वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। तो पहले हम पूरा जो है ये आटा डो जो है ये हम पैन में बिल्कुल प्लेन करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन ये नीचे ऑयल था तो बड़ी मुश्किल से जो है ये प्लेन हुआ है, बट इट्स ओके, इट्स बिकम परफेक्ट जी। तो ये हो गया है रेडी, पूरा डो बिल्कुल परफेक्ट प्लेन हो चुका है। अब इसे हम फ्रॉक से वो करेंगे। ये इस वजह से करते हैं कि जब हम इसके ऊपर सॉस डालते हैं तो वो सॉस पूरा आटा जो है इसमें होता है ईस्ट, तो ये पुल जाता है। तो जब इस तरह से करेंगे तो ये पूरा सॉस जो है ये अंदर तक जाता है। तो फिर जब पिज़्ज़ा खाते हो तो मिड में भी जो है ये सॉस होता है।
चिकन ऐड किया, इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे कि ये आटे के साथ चिपक जाए, क्योंकि जब आटा पुल जाएगा तो ये अच्छी तरह से पिज़्ज़े के अंदर भी होगा चिकन, क्योंकि इससे गिरेगा भी नहीं, इसके साथ टच होगा, तो ये करना ज़रूरी है। दिस इज़ अ टिप ऑफ पिज़्ज़ा। को लोग ओवन में बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें बना रही हूँ, और ये पूरा एक घंटा लेता है। एक घंटे में ये देखिए, ये परफेक्ट पिज़्ज़ा बन गया है, आप लोग देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, दूसरी बात है, पिज़्ज़ा में आप लोग वेजिस और चिकन सब कुछ मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ चिकन पिज़्ज़ा बनाया है। अब हम आगे, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिकम गुड, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे अच्छी अच्छी पिज़्ज़ा बनाएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और आप लोगों को खिलाएंगे भी, अगर हमारा चैनल सपोर्ट करोगे तो। इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।